करीब एक साल पहले मैंने एक ऑपरेशन किया था। 45 ईयर की लेडी थी, बड़ा फाइब्रॉइड था 15 सेंटीमीटर का, एब्डोमिनल उसका हिस्टरेक्टोमी किया था। लेकिन ये चीज़ उसके उससे पहले उसका हीमोग्लोबिन 6.8 था, तो हमें पहले उसको 3 ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने पड़े, उसके बाद 7 डेज वेट किया, देन हमने उसका हिस्टरेक्टोमी प्लान किया। उसकी मायोमेक्टोमी भी कर सकते थे, लेकिन उस क्योंकि उसकी फैमिली कंप्लीट थी, पेशेंट की विश थी कि हिस्टरेक्टोमी किया जाए, इसलिए हमने उसका हिस्टरेक्टोमी किया। उसका इंट्राओ पीरियड पोस्ट्राओ पीरियड अनइवेंटफुल था। वो मेरे पास यूरिन यानी पेशाब की रुकावट के साथ में मेरे पास आई थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम 3 साल से थी। 3 साल से उसको ब्लीडिंग लगातार, हर पीरियड में उसको हैवी ब्लीडिंग होती थी। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो ब्लीडिंग उसने एक बार भी नहीं बताया। उसने बताया कि मेरे को पेशाब में रुकावट हो रही है, पेट में फुलावट है, इसलिए वो मेरे पास आई थी। जब हमने पता किया, टेस्ट किया, तो पता चला कि उसको 15 सेंटीमीटर का बड़ा फाइब्रॉइड था, इसलिए हमें उसकी हिस्टरेक्टोमी प्लान करनी पड़ी। पेशेंट सेटल है, लेकिन मैं ये इस केस के बहाने से, मैं इस एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को यदि पेशेंट ने पहले अप्रोच किया होता तो कई सारी चीज़ें वो अपनी बचा सकती थी, जैसे कि ब्लड जो उसको ट्रांसफ्यूज़ हुआ, उसके इन्फेक्शन के खतरे, इतना कॉस्ट लगा, उस चीज़ को बचाया जा सकता था, फिजिकल मेंटल हेल्थ जो उसकी हैम्पर हुई, फैमिली लाइफ जो उसकी डिस्टर्ब हुई, ये सारी चीज़ें यदि उसने अर्ली अप्रोच किया होता, उसने हैवी ब्लीडिंग को कॉमन सिम्टम ना लेकर के डॉक्टर को टाइमली अप्रोच करके, वो इन चीज़ों के प्रेशर को कम कर सकती थी।